सच के साथ। कोरोना की दूसरी लहर ने न हमसे केवल हमारा स्वास्थ्य और सुखचैन छीना है, बल्कि शारीरिक के साथ ही मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि कोरोना काल के दौरान यूपी में घरेलू हिंसा 5 गुना तक बढ़ गया। ये घरेलू हिंसा कई प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक। घरेलू हिंसा के मामले में यूपी में लखनऊ नंबर 1 पर है तो वाराणसी 5वें स्थान पर। बीएचयू आईआईटी कंसल्टेंट साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि कोरोना महामारी के दूसरे लहर में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह शारीरिक के साथ ही मानसिक रूप से भी कितना असर डालेगा। लेकिन अपने देश में शारीरिक परेशानियों पर तो बात होती है, मगर मानसिक पर नहीं होती, और अक्सर लोग मानसिक बीमारियों के लिए झाड़ फूंक और जादू टोने का सहारा ले लेते हैं, जिससे स्थिति और भी बिगड़ जाती है। ये मानसिक समस्या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, नींद की समस्या और पैनिक अटैक के रूप में देखी जा रही है। कोरोना काल में डिप्रेशन 40% तक बढ़ गया, एंग्जाइटी 30-35% लोगों में बढ़ गया है और ओसीडी 20-25% तक बढ़ गया है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस यूपी में 5 गुना तक बढ़ गया। घरेलू हिंसा को हल करने के लिए बकायदे एक टीम बनाई गई और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में पहुंचने की कोशिश की गई। डोमेस्टिक वायलेंस कई प्रकार के होते हैं, फिजिकल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिकल। ये तमाम हिंसा हमारे मन पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों ने अपने को खोया, कई लोगों की नौकरी चली गई और भी कई तरह की दिक्कतों का सबको सामना करना पड़ा। कई लोगों को कोविड भी हुआ, ऐसे में लोग घबरा गए और डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता गया। लगभग 1000 लोगों का डेटा उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जुटाया गया और उसने देखा गया कि कौन कौन से शहर सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस से कोरोना काल के दौरान प्रभावित हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस केस में लखनऊ सबसे ऊपर रहा, जहां 120 केस आए, जिसके बाद कानपुर से 104 से 105 केस आए, तो वहीं मेरठ तीसरे नंबर पर था जहाँ 87 केस दर्ज हुए, बरेली 80, फिर आगरा 53 से लेके 75 तक पाया गया, बनारस 5वें नंबर पर 60-65 लोगों के साथ डेटा दर्ज हुआ। इसके अलावा गोरखपुर में 50-55, प्रयागराज में 40 के आसपास, सबसे कम मुरादाबाद में 30-35 के केस आए। ये तो शहर की बात हो गई, लेकिन गाँव के लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिस तरह से कोरोना के लिए तमाम हेल्थ सेंटर बनाया गया है, उसी तरह मानसिक बीमारियों से लड़ने के लिए भी मेंटल हेल्थ सेंटर बनाया जाना चाहिए। जैसे कि हमने COVID-19 के लिए सेंटर्स बनाए हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ सेंटर बनाना चाहिए, स्पेशली COVID-19 के दौरान जिनको ट्रॉमा फेस करना पड़ा है या कर रहे हैं लोग, वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना सके, एक पूरी साइकोलॉजिस्ट या कह सकते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक टीम बना करके, यूनिट बना करके अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जाए और टेलीफोनिक सपोर्ट हो सके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जैसे भी जहाँ पे जो रिसोर्स अवेलेबल हो इजीली, उस तरीके से अगर जो अप्रोच किया जाए तो शायद एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं लोगों की ज़िंदगी में, उनके मानसिक स्तर को हम और बेहतर कर सकते हैं और इस तरह की हिंसाओं को हम रोक सकते हैं, खासकर डोमेस्टिक वायलेंस। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपी में हर 4 में से एक आदमी को कोई ना कोई मानसिक समस्या है, तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ जितना इम्पॉर्टेंट है उतना मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। तो लोगों को इनकरेज करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अभी पोस्ट ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सच के साथ।